हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। क्रैश कोर्स सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी। सो टॉकिंग अबाउट पॉलिटी कंपोनेंट, फंडामेंटल राइट्स हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। राइट टू इक्वालिटी डिस्कस किया था आर्टिकल 14 to 19। सो फ्रॉम आर्टिकल 19 टुडे वील डिस्कस राइट टू फ्रीडम अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। सो राइट, आर्टिकल 19 छह फ्रीडम्स गारंटी करता है। कौन कौन सी? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, पीसिबल असेंबली विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। स्टार मार्क क्यों है पता चलेगा। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो छह फ्रीडम्स हैं, जो छह राइट्स हैं जो आपको राइट टू फ्रीडम के अंडर गारंटीड हैं। दीज सिक्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो फॉर एग्जाम्पल, राइट पीसेबल असेंबली विदाउट आर्म्स, आपकी कोई प्राइवेट पार्टी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, ये सिर्फ पब्लिक प्लेसेस पे है। मोर ओवर दीज राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट एंड टू शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी, बट नॉट टू फॉरिनर्स और लीगल पर्सन लाइक कंपनीज और कॉरपोरेशंस एट्सेट्रा। तो ये हमने देखा था, ये पहले एप्लीकेबल थे, एंड इवन आर्टिकल 19 इज एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट फॉरेनर्स। सो ये डिस्टिंक्शन हमेशा क्लियर रहना चाहिए। राइट, मूविंग ऑन, स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंजॉयमेंट ऑफ दीज आर्टिकल ऑफ दीज सिक्स राइट्स ओनली ऑन ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द आर्टिकल 19 इटसेल्फ एंड नॉट ऑन एनी अदर grounds। तो देखते हैं आगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। इट implies दैट एवरी citizen हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस his व्यूज, ओपिनियंस, beliefs, convictions फ्रीली बाय वर्ड ऑफ माउथ, इन राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चर और एनी अदर मैनर। कि जो आपके ख्यालात हैं आपको उन्हें एक्सप्रेस करने का राइट है। इट इंक्लूड्स राइट टू प्रोपोगेट वन्स व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोन, राइट टू टेलीकास्ट, राइट अगेंस्ट बंद, राइट जो बंद डिक्लेयर कर देते हैं, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़ पेपर, राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट द राइट टू स्ट्राइक। ये इम्पॉर्टेंट है, एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है, राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पोलिटिकल पार्टी और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटरप्रिटेशन में इन सब को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर इंक्लूड किया है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है? सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग, देन सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अगर ये सब कहीं पे भी कॉजेज आ रहे हैं, सो ऑन आइदर ऑफ दीज ग्राउंड्स योर फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन कैन बी कर्टेल्ड। सो दीज आर द ग्राउंड्स फॉर इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आपका राइट है अपने व्यूज़ प्रोपोगेट करने का, औरों के व्यूज़ प्रोपोगेट करने का, बट ऐसे व्यूज़ प्रोपोगेट करने हैं जो थोड़े डिसेंसी में हो, मोरालिटी में हो, एंड
इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस ना हो, रायट ना करा दें कल को वो. सो देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंजॉयमेंट ऑफ योर राइट्स अंडर द राइट टू फ्रीडम. फ्रीडम ऑफ असेंबली, यू हैव द राइट, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू असेंबल पीसिबली एंड विदाउट आर्म्स, इंक्लूडिंग द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, डिमॉन्स्ट्रेशंस, processions. Freedom can be exercised only on public land and the assembly must be peaceful and unarmed. This provision does not protect violent, disorderly, riotous assemblies or one that causes breach of public peace or one that involves arms. This right does not include the right to strike. So, bahut hi recently, इनफैक्ट बहुत सारे और केसेस में भी आपको पता होगा, बट रिसेंटली देर वॉज दिस हियरिंग ऑफ अ कल्ट लीडर इन हरियाणा, जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैड थ्रोंगड टू द सिटी जहाँ पे कोर्ट हियरिंग थी, दे हैड थ्रोंगड इन थाउजेंड्स. तो वहाँ पे अगेन देन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कैन रिजॉर्ट टू सेक्शन 143, 144 राइट ऑफ द IPC एंड कैन आस्क और कैन डिस्पर्स एनी गैदरिंग मोर देन 5 पीपल, कि आप यहाँ पे इकट्ठा नहीं होगे बिकॉज देर आर फियर्स ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अनरेस्ट. तो यू हैव द राइट टू असेंबल बट देन दैट मस्ट नॉट बी अ ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस और दैट मस्ट नॉट इन्वॉल्व आर्म्स और इट शुड नॉट बी वायलेंट और डिसऑर्डरली. तो उन सब ग्राउंड्स पे योर फ्रीडम ऑफ असेंबली कैन बी restricted. State can impose reasonable restrictions on the exercise of right to assembly on two grounds, namely sovereignty and integrity and public order, including the maintenance of traffic. So public order grounds for imposing reasonable restrictions. Freedom of association, okay, ab association form karne ka right. Citizens have the right to form associations or unions or cooperative societies. So, ये जो cooperative societies form करने का fundamental right है, this was added by the 97th Constitutional Amendment Act and it has already been asked in a mains examination 2012, if 12 or 13 if I'm not wrong. It includes the right to form political parties, companies, partnership firms, societies, clubs, organizations, trade unions, or any body of persons. It not only includes the right to start an association, but also to continue with the association or the union as such. It covers the negative right of not to form or join an association or union. तो आप form कर सकते हो, continue कर सकते हो, या नहीं फॉर्म या नहीं ज्वाइन कर सकते हो. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, किन ग्राउंड्स पे है? सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी. सब्जेक्ट टू दीज रिस्ट्रिक्शन सिटीजन्स हैव कंप्लीट लिबर्टी टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस फॉर परस्यूइंग लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स एंड purposes. However, the right to obtain recognition of the association is not a fundamental right. So this distinction you have to be clear about. Supreme Court held that the trade unions have no guaranteed right to effective bargaining or the right to strike or the right to declare a lockout. तो ये सब rights नहीं है trade unions के पास. The right to strike can be controlled by an appropriate industrial law. तो ये this should be clear in your head कि trade unions के पास कोई guaranteed right to effective bargaining या right to strike या right to declare a lockout नहीं है. तो ऐसी ही चीज़ें प्री में आपसे पूछी जाएंगी, अगर पूछी जाएंगी तो कि क्या ऐसा है. So you have to make, be able to make the distinction. You should be clear in your head कि ये right है या ये right नहीं है. Then freedom of movement. This freedom entitles every citizen to move freely
throughout the territory of the country. He can move freely from one state to another or from one place to another within a state. The right underlines the idea that India is one unit. Purpose is to promote national feeling and not parochialism. कि आप अपने region तक ही नहीं सीमित रहो, India के प्रति आपकी जो feeling हो वो national feeling हो. The grounds of imposing reasonable restriction are, first, interests of general public and the protection of interests of any scheduled tribe. The entry of outsiders in tribal areas is restricted to protect the distinctive culture, language, customs and manners of the scheduled tribes and to safeguard their traditional vocation and properties against exploitation. So, interests of general public are protection of interests of kisi scheduled tribe and as well as unke jo language, customs, manners, jo traditional practices hain unko protect karne ke liye aapki freedom of movement curtail kari ja sakti hai kuch areas mein. Supreme Court held that the freedom of movement of prostitutes can be restricted on the ground of public health and in the interest of public morals. The Bombay High Court validated the restrictions on the movement of persons affected by AIDS. So, ye jo legal standing hai, legal interpretation hai, again you should be clear on this. Freedom of movement has two dimensions, namely internal, ki aap desh ke andar right to move inside the country, and external, right to move out of the country and the right to come back to the country. So internal wala hai jo wo article 19 ke under protected hai and jo external wala hai wo article 21 ke under protected hai, right? So please be very very clear about this distinction. Okay, then freedom of residence. Every citizen has the right to reside and settle in any part of the territory of the country. This right has two parts. First, the right to reside in any part of the country, which means to stay at any place temporarily, and second, the right to settle in any part of the country, which means to set up a home or domicile at any place permanently. So reside and settle. This right is intended to remove internal barriers within the country or between any of its parts. This promotes nationalism and avoids narrow-mindedness. State can impose reasonable restrictions. Kya grounds hai? First, interest of general public and the protection of interests of scheduled tribes. So, same hi hai ye to. Then, right of outsiders to reside and settle in tribal areas is restricted to protect the distinctive culture, language, customs and manners of scheduled tribes and to safeguard their traditional vocation and properties against exploitation. So, same grounds for imposing reasonable restriction. In many parts of the country, the tribals have been permitted to regulate their property in accordance with their customary rules and laws. So essentially, jitne bhi aapke hill states hain, to wahan pe ताकि plains के लोग आके वहाँ पे demography, जो property relations हैं या जो property rights हैं उनको alter नहीं कर दे. So there are restriction imposed on buying and selling of property in these places. So J&K में तो of course there are other political reasons also why there are restrictions. But even in Himachal Pradesh, there exist restrictions where only Himachali residents or Himachal citizens are allowed to register property in their names. So, अगर आपको खरीदनी है, तो property register किसी हिमाचल के बंदे के नाम पे ही होगी. So, certain states impose such restrictions. Supreme Court held that certain areas can be banned
for certain kinds of persons like prostitutes and habitual offenders. Right. So this was the freedom of residence. Then freedom of profession. अब यहाँ पे भी आपके पास एब्सोल्यूट फ्रीडम है, आपके पास फ्रीडम है पर एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि कल को तो मैं आई कैन ओपन अप अ क्लिनिक एंड से कि आई एम अ डॉक्टर प्लीज कम टू मी, बट आई हैव नो क्वालिफिकेशन, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, राइट? सो द गवर्नमेंट कैन इम्पोज सर्टन रिस्ट्रिक्शंस. टुमारो आई कैन ओपन अप अ शॉप एंड स्टार्ट सेलिंग एल्कोहल, बट अगेन the state has to regulate these activities, these professions. So right hai, freedom hai, but absolute kuch bhi nahi hai. Citizens are given the right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. This right is very wide as it covers all the means of earning one's livelihood. Reasonable restrictions hai in the interest of general public. तो स्टेट कैन प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन. फॉर एग्जांपल डॉक्टर, कि आप डॉक्टर बनके प्रैक्टिस तभी कर सकते हो जब आपने एक एग्जाम पास किया हुआ है. कैरी ऑन बाय इटसेल्फ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस टू द एक्सक्लूजन कंप्लीट और पार्शियल ऑफ सिटीजंस और अदरवाइज. फॉर एग्जाम्पल लिकर शॉप्स, देर आर स्टेट्स जहाँ पे सारी लिकर शॉप्स आर गवर्नमेंट ओन्ड, देर आर स्टेट्स लाइक दिल्ली जहाँ पे देर आर सम गवर्नमेंट ओन्ड लिकर शॉप्स एंड सम प्राइवेट लिकर शॉप्स. तो कंप्लीट या पार्शियल एक्सक्लूजन कर सकती है स्टेट प्राइवेट वेंचर का कुछ बिजनेस या कुछ ट्रेड्स में. दस नो ऑब्जेक्शन कैन बी मेड व्हेन द स्टेट कैरीज ऑन अ ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस आइदर एज अ मोनोपोली और टू द एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन्स or in competition with any citizen. The state is not required to justify its monopoly. This right does not include the right to carry on a profession or business or trade or occupation that is immoral. तो आप human trafficking etc. में नहीं engage कर सकते. purely ये क्या है कि मेरे को फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन है क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है. मोरालिटी, डेंजरस हार्मफुल ड्रग्स और एक्सप्लोजिव्स, स्टेट कैन एब्सोल्युटली प्रोहिबिट दीज और रेगुलेट देम थ्रू लाइसेंसिंग. सो देन आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम्स हैं हमने डिस्कस करी. आर्टिकल 20 व्हिच टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन in respect of conviction for offences. So, Article 20 grants protection against arbitrary and excessive punishment to an accused person, whether citizen or foreigner or legal person like a company or corporation. तो ये citizen as well as foreigner को available है. नो तो इसमें तीन क्लॉजेस हैं, तीन प्रोविजंस हैं. नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, सो नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायोलेशन ऑफ अ लॉ इनफोर्स्ड एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट नॉर सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इनफोर्स्ड एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट. सो मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल टुडे द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स कि keeping a beard is a punishable offense. So from today if somebody keeps a beard it can be punished under law, but if somebody had a beard say 1 year ago you cannot make that law criminal retrospectively. So no ex post facto law ki aaj ki date mein jo main act karta hu aur aaj ki date mein jo laws hain उन्हीं के अंडर ही मुझे सज़ा मिल सकती है और उतनी ही सज़ा मिल सकती है जितनी कि उस लॉ के अंडर प्रिस्क्राइब्ड है, उससे ज़्यादा नहीं. देन नो डबल जपाडी, सो डबल जपाडी इज नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. कि एक
गुनाह की सज़ा एक ही बारी मिलती है, ओनली वंस यू कैन बी पनिश्ड फॉर योर एक्ट. बट सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू बीन कन्विक्टेड ऑफ करप्शन, यू विल बी सेंटेंस टू प्रिजन प्लस यू विल बी रेस्टिगेटेड फ्रॉम योर सर्विस. तो दिस डज नॉट अमाउंट टू डबल जेपर्डी, कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स हुई हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट यू, एंड दैट डज नॉट अमाउंट टू डबल जेपर्डी. देन नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शाल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. अ सिविल लायबिलिटी, सो ये नेक्स्ट उसमें, अ सिविल लायबिलिटी और अ टैक्स कैन बी इम्पोज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली. दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली कन्विक्शन और सेंटेंस अंडर एन एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ एंड नॉट द ट्रायल देयर ऑफ. सो फर्स्ट जो हमने प्रोविजन डिस्कस किया था कि कोई भी बैक डेट से कोई लॉ किसी भी एक्ट को क्रिमिनल नहीं बना सकता, बट कोई भी अगर सिविल कुछ है, लायबिलिटी है, टैक्स है, वो रेट्रोस्पेक्टिवली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल आज आपका अगर आप जैसे कैपिटल गेन्स टैक्स की अगर बात करें, तो आज फॉर एग्जाम्पल एक्स परसेंट है, तो टुडे द गवर्नमेंट कैन ब्रिंग इन अ लॉ विच सेज कि फ्रॉम सो एंड सो से 1 अप्रैल 2015 जितने भी आपके कैपिटल गेन्स हुए हैं दे विल बी टैक्स रेट वाई परसेंट. तो टैक्सेशन आपका रेट्रोस्पेक्टिवली हो सकता है बट क्रिमिनैलिटी रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं हो सकती, राइट. सो द प्रोटेक्शन ऑफ इम्यूनिटी जो है अंडर दिस प्रोविजन कैन नॉट बी क्लेम्ड इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन और डिमांडिंग सिक्योरिटी फ्रॉम अ पर्सन. सो जो इम्यूनिटी है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन की केस में नहीं क्लेम करी जा सकती. देन प्रोटेक्शन इन अगेंस्ट डबल जेपर्डी इज अवेलेबल ओनली इन प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ और अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल, और इन अदर वर्ड्स इट इज नॉट अवेलेबल इन प्रोसीडिंग्स बिफोर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एज दे आर नॉट ऑफ जुडिशियल नेचर. सो जो लीगल जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स. तो दोनों अगर साथ चल रही हैं तो दे डू नॉट अमाउंट टू डबल जेपर्डी. प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सटेंड्स टू बोथ ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हाउएवर इट डज नॉट एक्सटेंड टू कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स, कंपल्शन टू गिव थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, ब्लड स्पेसिमेंस एंड कंपल्सरली एग्जिबिशन ऑफ द बॉडी. तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट आपके पास फंडामेंटल राइट नहीं है जो आप आर्टिकल 20 के अंडर क्लेम कर सकते हो. सो दीज आर द थ्री प्रोविजन्स इन आर्टिकल 20 इन प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर offences. Then we talk about Article 21. Article 21 talks about protection of life and personal liberty. It declares that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. The right is available to both citizens and non-citizens. Right. तो please ये जो citizens and non-citizens का distinction है, I hope आप याद रखें कि किसको किस कौन सा right citizens के लिए ही है and कौन सा right both citizens and non-citizens के लिए है. So इस पे legal position क्या है? First, द गोपालन केस 1950. इसमें काफी नैरो इंटरप्रिटेशन रही सुप्रीम कोर्ट की. तो सुप्रीम कोर्ट हैड अ नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21. इट हेल्ड दैट द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्ररी
लेजिस्लेटिव एक्शन, कि अगर कोई भी चीज़ कानून में लिखी गई है एंड उसके तहत कोई भी एक्शन लिया जा रहा है तो दैट इज़ जस्टिफाइड, क्योंकि द कोर्ट ओनली लुक्स इनटू द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एक्शन. लेजिस्लेटिव एक्शन जो है, जो वो कानून बना वो आर्बिट्रेरी था या नहीं था, वो चीज़ कोर्ट नहीं देखेगा. सो समथिंग कॉल्ड ड्यू प्रोसेस एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड. तो कोर्ट ने कहा कि अगर कानून में ये चीज लिखी गई है एंड उसके तहत ही सब कुछ हो रहा है, द कोर्ट विल नॉट लुक इन टू कि वो लॉ सही था या नहीं था. द कोर्ट विल नॉट लुक एट इट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, कि लेजिस्लेटिव एक्शन में आर्बिट्रेरीनेस थी या नहीं. दिस मीन्स दैट द स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन अ लॉ, कि एज लॉन्ग एज कानून में लिखा गया है स्टेट कैन टेक एनी एक्शन. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पर्सनल लिबर्टी means only liberty relating to the person or body of the individual. So very narrow definition of personal liberty was taken by the court in the year 1950. But over the times interpretation liberal hui. 1978 mein Menaka Gandhi case mein Supreme Court overruled its judgment in the Gopalan case by taking a very wide interpretation of Article 21. Court ne kaha right to life and personal liberty of a person can be deprived by a law provided the procedure prescribed by that law is reasonable, fair and just. So very very important distinction yahan pe aa gayi. Yahan pe court ne kaha tha ki agar law mein likha gaya hai to state kar sakta hai. Yahan pe supreme court ne kaha agar law mein likha gaya hai to state kar sakta hai, bashart ye hai कि लॉ में जो लिखा गया है वो रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट हो. सो इन अदर वर्ड्स इट इंट्रोड्यूस द अमेरिकन एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया है लॉ फ्रेम करते हुए तो ही आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं. यहां पे कोर्ट ने कहा था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कि एज लॉन्ग एज कानून ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर दिया है ठीक है, हम ड्यू प्रोसेस की बात ही नहीं करेंगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस मेनका गांधी केस. तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये याद रखना. द कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लाइफ एज एम्बॉडीड इन आर्टिकल 21 इज नॉट मियरली कन्फाइंड टू एन एनिमल एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल, बट इंक्लूड्स विद इन इट्स एम्बिट द राइट टू लिव with human dignity and all those aspects of life which go to make a man's life meaningful, complete and worth living. तो यहाँ पर जो सिर्फ bodily interpretation थी कि आपका जो right to personal liberty है वो सिर्फ refers only to liberty of the person or of the bodily, of the body. राइट, सो वेरी नैरो. यहाँ पे उन्होंने कहा नहीं, हो सकता है कि आपको फिजिकली वो तंग नहीं कर रहे, छेड़ नहीं रहे, मार नहीं रहे, बट ह्यूमन डिग्निटी के साथ जो आपका सर्वाइवल है, जो आपका सर्वाइव करने का अधिकार है, वो भी रहना चाहिए. सो इट इवन इंक्लूड्स कि आपको मेंटली भी टॉर्चर नहीं कर सकते, क्योंकि इवन दैट विल अमाउंट टू वायोलेशन ऑफ योर राइट टू लाइफ. तो यहाँ पे जो वेरी नैरो फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लिबर्टी था, इट इज़ नाउ एक्सपैंडेड एंड नाउ लिबर्टी इंक्लूड्स योर राइट टू लाइफ विद अ ह्यूमन डिग्निटी. देन आर्टिकल 21A एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002. सो आर्टिकल 21 ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था राइट टू लाइफ, देन आर्टिकल 21A introduced by 86th Constitutional Amendment Act. तो ये क्या कहता है, State shall provide free compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may
डिटरमिन, जिसके लिए हमने आरटीई एक्ट फॉर्मुलेट किया. प्रोविजन मेक्स एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट. इवन बिफोर दिस अमेंडमेंट जो 86 था, इसके पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड अ प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर आर्टिकल 45 इन पार्ट 4 विच वॉज द DPSPs. तो DPSPs वही है, नॉन जस्टिशियबल है. तो स्टेट चाहती शुरू से ही थी कि हम ऐसा कुछ करें कि एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करें, बट ड्यू टू से रिसोर्स कंस्ट्रेन एंड फोकस ऑन अदर एस्पेक्ट्स, तो ये बहुत लेट जाके इम्प्लीमेंट हुआ. देन इसको फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया ताकि ये जस्टिशिएबल बन सके, कि अगर स्टेट अपना ये प्रॉमिस नहीं फुलफिल कर रहा तो स्टेट कैन बी हेल्ड लायबल, स्टेट कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. इट ऑल्सो, जो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, दिस ऑल्सो एडेड अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A, जो कहती है इट शाल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14. तो 21A स्टेट की बात करता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है, यहाँ पे सिटीजन के ऊपर जिम्मेदारी है, फंडामेंटल ड्यूटी है. राइट, मूविंग ऑन, आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. तो ये उनको प्रोटेक्शन अकॉर्ड करता है, अफोर्ड करता है जो अरेस्ट किए गए हैं, जो डिटेन किए जा चुके हैं. सो डिटेंशन दो तरीके की, एक तो प्यूनिटिव डिटेंशन टू पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट. सेकंड है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसमें डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट. कि एक में पनिशमेंट है, ट्रायल है, कन्विक्शन है, एंड देन डिटेंशन है, एंड एक में नो ट्रायल नो कन्विक्शन बट डिटेंशन. तो इसका पर्पज है पनिश नहीं, पनिश करना नहीं है, बट प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन द नियर फ्यूचर. अगर आपको शक है कि इसको छोड़ दिया जाए तो ये फॉर एग्जाम्पल किसी का मर्डर कर सकता है, कोई राइट सिचुएशन कर सकता है, सो देन यू कैन होल्ड द पर्सन इन प्रिवेंटिव डिटेंशन. सो दस प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ओनली अ प्रिकॉशनरी मेजर बेस्ड ऑन सस्पिशन. तो शक के बिना पे. आर्टिकल 22 के दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट डील्स विद द केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, सेकंड पार्ट डील्स विद द केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. तो फर्स्ट पार्ट कन्फर्स द फॉलोइंग राइट्स ऑन अ पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर एन ऑर्डिनरी लॉ. सो पहला राइट कि आपको उसको बताना है कि किस ग्राउंड पे उसे अरेस्ट किया गया है, कि किस वजह से उसे अरेस्ट किया गया है. राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर. सो अरेस्ट क्यों हुई, देन योर राइट टू हैव अ लीगल डिफेंडर, कि कोई वकील, कोई आपको डिफेंड करे. राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स. तो 24 घंटे आपकी अरेस्ट के बाद आप जो है उसके अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस करना है, एक्सक्लूडिंग दी जर्नी टाइम. फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोड्यूस फॉर एग्जाम्पल आगरा में करना है, अरेस्ट आपकी दिल्ली में हुई है, सो दिल्ली से आगरा जाने का जो डिस्टेंस है उसमें जो टाइम खर्च हुआ है दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग की जो ये 24 घंटे के अंदर अंदर आपको प्रोड्यूस करना है. देन राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथोराइजेज फर्दर डिटेंशन. तो अनलेस मजिस्ट्रेट ने सैंक्शन किया है फर्दर डिटेंशन, यू हैव टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स. दीज सेफ गार्ड्स आर नॉट अवेलेबल टू एन एनिमी एलियन और अ पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर अगर आपको पकड़ा गया है तो ये 24 घंटे वाले जो रूल्स हैं या राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट्सेट्रा, ये सिमिलरली एप्लीकेबल नहीं है. एंड अगर आप एक एनिमी एलियन हो तो भी ये 24 घंटे वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है, ये ऊपर वाले राइट्स आपके लिए अवेलेबल नहीं है एनिमी एलियन के लिए.
सेकेंड पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज एलियंस एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग. सो सिटीजन्स प्लस एलियंस दोनों के लिए अवेलेबल है. डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड 3 months अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट्स सफिशियंट कॉज फॉर एक्सटेंडेड डिटेंशन एंड वो बोर्ड शुड कंसिस्ट ऑफ जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट. सो 3 महीने ही आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में होल्ड किया जा सकता है अनलेस एक हाई कोर्ट जजेस का बोर्ड बैठ के सर्टिफाई करे कि इससे ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत है. देन द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेनू. तो ग्राउंड्स उसमें भी थे ग्राउंड्स इसमें भी हैं बट उसमें 24 घंटे में रिहा करना था इसमें 3 महीने तक आपको होल्ड किया जा सकता है. द फैक्ट्स कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड. तो अगर कोई ऐसा ग्राउंड है विच माइट गो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट तो द गवर्नमेंट में चूज नॉट टू डिक्लेयर सच grounds. The detainee should be afforded an opportunity to make a representation against the detention order. Ki mauka diya jana chahiye to make a representation against the detention order. To article 21-22 also authorizes the parliament to prescribe circumstances and classes of cases in which a person can be डिटेन फॉर मोर देन 3 months. कि फॉर एग्जाम्पल अगर पार्लियामेंट एक लॉ बना दे कि इफ़ यू हैव अ टेंडेंसी टू प्रोवोक कॉज रायट्स तो आपकी प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी मोर देन 3 months. तो पार्लियामेंट के पास पावर है ऐसा कोई लॉ बनाने की डिटेन फॉर मोर देन 3 months अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड. यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड जो था हाई कोर्ट का वो भी एलिमिनेट कर दिया. तो ऐसा लॉ बनाने की पावर है पार्लियामेंट के पास. मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड इन एनी क्लासेस ऑफ केसेस अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. तो ऐसे केस में जहाँ पे पार्लियामेंट कह रहा है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो तो एडवाइजरी बोर्ड बिठाए बिना आपको 3 महीने से ज़्यादा होल्ड किया जा सकता है. ऐसे केसेस में मैक्सिमम पीरियड की तरह है जिसमें आपको डिटेन किया जा सकता है वो मैक्सिमम पीरियड तय करने की पावर भी पार्लियामेंट के पास है. सो पार्लियामेंट के से 6 months, पार्लियामेंट के से 12 months, पार्लियामेंट के से 24 months, कुछ भी कह सकता है पार्लियामेंट. सो पावर है पार्लियामेंट के पास. 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने ये पीरियड रिड्यूस किया था. कौन सा पीरियड? पीरियड ऑफ डिटेंशन विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड फ्रॉम 3 to 2 months. जो यहाँ पे हम 3 महीने की बात कर रहे हैं ये 2 महीने कर दिया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने. बट ये जो प्रोविजन है इट हैज़ नॉट बीन ब्रॉट इन टू फोर्स. तो ओरिजिनल पीरियड ऑफ 3 months स्टिल कंटिन्यूज. सो 3 महीने आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में होल्ड किया जा सकता है विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन. सो दिस वॉज आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. देन आर्टिकल 23 talks about right against exploitation. So it talks about prohibition of traffic in human beings and forced labor.